हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम अस एडिट तो फिर से लेके आ गए और एक और वीडियो जो कुछ अलग टॉपिक पे होने वाली, अलग ही टॉपिक पे होने वाली, क्योंकि बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट कर रहे थे यार बंदे कि आप जो पिक्सेल एप्लीकेशन के अंदर फोन कैसे ऐड करते हो यार, वो डाउनलोड फोन कहाँ से डाउनलोड करते हो। तो आज की वीडियो में यही बताने वाला हूँ कि फोन आपको कहाँ से डाउनलोड करना है और ऐड कैसे करना, सब कुछ बताने वाला इसी वीडियो के अंदर। पिक्सेल एप्लीकेशन के अंदर मतलब किसी भी फोन को कैसे ऐड करना सब कुछ बताने वाला हूँ, और अलाइट मोशन एप्लीकेशन के अंदर कैसे फोन ऐड करना है इसके लिए मैंने अलग से एक वीडियो बना रखी है ऑलरेडी पहले ही, ठीक है। तो उस वीडियो का लिंक आपको आई बटन के अंदर ऊपर दिख रहा होगा, तो वहाँ पर क्लिक करके उस वाली वीडियो को देख लेना। तो पिक्सेल मतलब अलाइट मोशन एप्लीकेशन के अंदर किसी फोन को कैसे ऐड करना उसके अंदर बता रखा है मैंने, ठीक है। और पिक्सेल एप्लीकेशन के अंदर कैसे फोन ऐड करना, तो इस वीडियो को पूरा कंप्लीट देखना, स्टेप बाय स्टेप सब कुछ समझ में आ जाएगा। क्योंकि यार बहुत ज़्यादा बंदे मतलब लोगो वगैरह बनाते हैं, ठीक है, तो लोगो वगैरह बनाते हैं तो उनको जरूरत पड़ती है बहुत ज़्यादा फोन की, ठीक है। तो यार एक बंदा बहुत ही ज़्यादा मतलब मेरे खुद के खुद के ही लोगो बना के दिए, उसने तीन लोगो बना के दिए, तो तीनों लोगो बता देता हूँ यार ये रहे, ठीक है। यार उस बंदे ने मेरे को बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करी कि भाई आप मेरा एक छोटा सा प्रमोशन कर दो यार, जो आपके जितने भी सब्सक्राइबर हैं उनका मैं मतलब लोगो वगैरह बना के दे दूंगा, ठीक है। तो यार मेरे को बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करी उस भाई ने, ठीक है। मतलब उस भाई का मतलब यूट्यूब चैनल का लिंक और उसके मोबाइल नंबर यार डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा। अगर आपको भी यार कुछ इस प्रकार से मतलब देखिए मेरे तीन लोगो बना के दिए उसने, तो आपको भी अगर कुछ इस प्रकार का अपना फुल स्क्रीन लोगो बनवाना चाहते हो तो यार उसका मतलब मोबाइल नंबर आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा, और साइड में भी देख सकते हो यार उसके मोबाइल नंबर, ठीक है। तो यार उस नंबर पे जाके आप कॉन्टेक्ट कर सकते हो भाई से और अपना खुद का मतलब इस प्रकार का लोगो वगैरह बना सकते हो। तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए यार स्टार्ट करते वीडियो, तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते वीडियो। तो उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है यार, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना, ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो आपसे कभी मिस नहीं हो। तो चलो स्टार्ट करते वीडियो। हे गाइस, आ गया है मोबाइल की स्क्रीन के ऊपर। तो सबसे पहले आपको यार फ़ोन डाउनलोड कहाँ से करना वो बता देता हूँ, कहाँ से फ़ोन डाउनलोड करना। तो सबसे पहले यार गूगल वाली वेबसाइट को ओपन कर लेना, ठीक है। तो गूगल वाली वेबसाइट को ओपन करने के बाद में यहाँ पे सर्च बार में जाना है, और सर्च बार में जाने के बाद में यहाँ पे लिखना है द फॉन्ट और इसे सर्च कर लेना। सर्च करने के बाद में ऊपर ऊपर वाली वेबसाइट आएगी द फॉन्ट वाली, तो इसको आपको क्लिक करना है, ठीक है। इसको ओके करना है। ओके करने के बाद में कुछ इस प्रकार से आपका इंटरफेस आएगा, तो यहाँ पे आपको बहुत सारे फॉन्ट मिल जाएंगे, ठीक है। और आपको थोड़ा सा जूम करके दिखा देता हूँ यार, आपको यहाँ पे देखिए आपको यहाँ पे कैटेगरी वाइज बहुत सारे फॉन्ट मिल जाएंगे जो आप देख सकते हो, ठीक है। तो इस प्रकार से बहुत सारे फॉन्ट मिल जाएंगे आपको यहाँ से, ठीक है। तो आप यहाँ से भी देख सकते हो, ठीक है। और आपको दिखा देता हूँ और कितने कहाँ कहाँ फॉन्ट है यार, ये यहाँ पे देखिए कैटेगरी वाइज आपको फॉन्ट मिल जाएंगे। अब आपको डाउनलोड कैसे करना सब कुछ बताने वाला है यार इस वीडियो के अंदर। और आपको देखिए यहाँ पे एक सर्च बार का ऑप्शन भी आता है, तो यहाँ पे भी आप सर्च कर सकते हो जिस भी फॉन्ट को आप, अगर नाम याद है तो वहाँ पे सर्च कर सकते हो, अगर नाम याद नहीं है आपको, जैसे पता होगा यार ए से स्टार्ट है या बी से स्टार्ट है, तो वो भी आप यहाँ पे सर्च कर सकते हो। जैसे मान लीजिए आपका जो ए से मतलब कोई भी फॉन्ट का नाम ए से स्टार्ट हो रहा है, तो ए पे क्लिक करना है। ए पे जैसे क्लिक करते हो तो ये सर्च बार में जाएगा, और ए नाम से जितने भी फॉन्ट है यार यहाँ पे आपको इस प्रकार से मिल जाएंगे। तो आपको अपने हिसाब से जो भी सर्च करके ढूंढ लेना है, ढूंढने के बाद में आपको डाउनलोड कैसे करना वो भी बताऊंगा। तो वीडियो पूरा एंड तक बने रहिए। अगर इस पेज में नहीं मिलता तो अगला बहुत सारे पेज मिल जाएंगे आपको, 188 पेज मिल रहे, ठीक है, जो ए नाम से मतलब फोन स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो मैं देखिए दो नंबर वाले इस पर क्लिक करते हैं तो फिर से आपको ए नाम से बहुत सारे फोन मिल जाएंगे, ठीक है। अब आपको डाउनलोड कैसे करना है यार वो भी बता देता हूँ। सबसे पहले यार आपको जिस भी फोन को यार सेलेक्ट करना है, वो सबसे पहले यार फोन को सर्च कर लेना है, ठीक है। तो देखिए मैंने यार यहाँ पे एक फ़ोन सर्च कर लेता हूँ यार, जो भी आपको अच्छा लगे यार वो फ़ोन सर्च कर लेना, ठीक है। तो मैं यहाँ पे फ़ोन पे देखिए यहाँ पे कौन सा सर्च करें यार, यहाँ पे देखिए मैंने पहले ऑलरेडी यहाँ पे सर्च करके रख रखा है, ठीक है। तो यहाँ से मैं कट कर देता हूँ यार, यहाँ पे देखिए क्या है। सो ओके गाइस, यहाँ पे देखिए जो भी आपको फ़ोन अच्छे लगे यार वो सेलेक्ट कर लीजिए, जो भी नाम अगर आपको याद है तो वो यहाँ पे सेलेक्ट यहाँ पे लिख सकते हो, ठीक है। तो मैं यहाँ पे यार जो भी एक फ़ोन है वो यहाँ पे कर लेता हूँ मैं। ओके देखिए ये फ़ोन है, ठीक है, मैंने फ़ोन का नाम लिख दिया, और उसके बाद में सर्च पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे देखिए सर्च हो जाएगा, और आप यहाँ पे देख सकते हो ये फ़ोन का नाम भी आ गया, ठीक है। और आपको थोड़ा जूम करके दिखा देता हूँ यार, ये देख ये फ़ोन का नाम आ गया, ठीक है, जो भी फ़ोन है यार कुछ इस प्रकार का फ़ोन है। और उसके बाद में यार इसको आपको डाउनलोड कैसे करना है वो भी बताऊंगा, सब कुछ देखना वीडियो के अंदर। डाउनलोड कैसे करना है यार, इस प्रकार से स्क्रॉल करके इधर जाना है, इधर आपको एक डाउनलोड का ऑप्शन मिलेगा यार, तो डाउनलोड पे क्लिक कर देना, ठीक है। जैसे डाउनलोड पे क्लिक करते हो यार ये फ़ोन आपका डाउनलोड होने लग जाएगा। डाउनलोड होने के बाद में यहाँ पे देखिए डाउनलोड हो चुका है, ठीक है। अब इसको ओपन करना है तो यहाँ से देखिए ओपन कर सकते हो, ठीक है। और इसको क्या ये आपको जी फाइल मिलेगी, ठीक है, यहाँ पूरा वीडियो ध्यान से देखना यार, ये आपको जी फाइल मिलेगी, तो इसको आपको मतलब अनजिप करना पड़ेगा, ठीक है। अनजिप कैसे करना है यहाँ पे देखिए एक्सटेट करना पड़ेगा, एक्सटेट टू फाइल, तो यहाँ पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में यहाँ पर देखिए आपको
जिस भी फोल्डर में आप यहाँ सेलेक्ट करना चाहते हो वो सेलेक्ट कर लीजिए। ठीक है, यहाँ पर मैं एक फोल्डर बना देता हूँ यार, और उसके अंदर ये फॉन्ट ऐड करके दिखाने, मतलब एक्सट्रैक्ट करके दिखाने वाला हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, हम ऐसे कुछ इस प्रकार से मैंने यहाँ पे एक फोल्डर बना लिया और यहाँ से ओके कर लेता हूँ। ठीक है, ओके करने के बाद में ये फोल्डर कहाँ, मतलब ये फोल्डर कहाँ पे आता है वो वहाँ पे सेलेक्ट कर लेते। देखिए, सो ओके गाइस, ये रहा। ठीक है, मेरा फोल्डर, फोल्डर पे क्लिक करेंगे, फोल्डर यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद में इसको एक्सट्रैक्ट करना है, तो एक्सट्रैक्ट पे क्लिक करना, तो ये फोल्डर यहाँ पे एक्सट्रैक्ट हो जाएगा। ठीक है, जो आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ कैसे एक्सट्रैक्ट होने के बाद में कैसे दिखता है। देखिए, एक्सट्रैक्ट हो गया, ये तो को फाइल कुछ इस प्रकार से मिलेगा। ठीक है, तो ये फॉन्ट एक्सट्रैक्ट हो गया। अगर आपके यार यहाँ पे डायरेक्टली ओपन का ऑप्शन नहीं आ रहा, देखिए डाउनलोड करने के बाद में बहुत जगह का ओपन का ऑप्शन नहीं आता, ठीक है, तो आपको करना क्या होगा यार, यहाँ से थोड़ी वीडियो को थोड़ा ध्यान से देखना। बहुत जगह के मतलब फोन डाउनलोड होने के बाद में भी ये ऑप्शन नहीं आता, तो आपको क्या करना है यार, देखिए मैं बता देता हूँ आपको करना क्या होगा। देखिए, यहाँ से आपको बैक चले जाना और आपको जाना फाइल मैनेजर में चले जाना। ठीक है, फाइल मैनेजर में जाने के बाद में आपको देखिए डाउनलोड वाला फोल्डर वो सिलेक्ट कर लेना। देखिए डाउनलोड वाला कहाँ पे है, तो देखिएगा, तो ये डाउनलोड, और ये डाउनलोड के अंदर जाके मैं देख लेता हूँ यार। यहाँ पे देखिए, अभी जो मैंने फोल्डर जो अभी डाउनलोड किया वो ऊपर ही ऊपर आ गया। देखिए, डाउनलोड वाले फोल्डर में जाके देख लेना आपको। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए मैंने अभी जो डाउनलोड किया ये वाला, ये रहा। ठीक है, अब यार इसको यार यहाँ से ओपन करोगे तो ये ऑलरेडी बोलेगा यार इसको एक्सट्रैक्ट करो। तो एक्सट्रैक्ट कैसे करना वो आपने मैंने बता दिया, फिर भी आपको एक बार और बता देता हूँ यार। एक्सट्रैक्ट है ना, इसी पे आपको क्लिक करना है यहाँ पे। ठीक है, एक्सट्रैक्ट पे क्लिक करने के बाद जिस भी फोल्डर में आ रहा है इसको एक्सट्रैक्ट करना है। एक्सट्रैक्ट करने के बाद ही वो वहाँ पे ऐड होएगा। ठीक है, यहाँ से तो मतलब थोड़ा ध्यान से देखना यार, एक्सट्रैक्ट होगा ना तभी आपकी वो मतलब फोन वहाँ पे ऐड कर पाओगे आप। ठीक है, अन्यथा नहीं तो आपको फोन को मतलब ऐड भी नहीं कर पाओगे आप। ठीक है, तो मैं देखिए फोल्डर ढूंढ लेता हूँ कहाँ पे है यार। ठीक है, फोल्डर फोल्डर पे क्लिक करना है, यहाँ पे ऑलरेडी एक्सट्रैक्ट किया हुआ, तो आपको दोबारा एक्सट्रैक्ट करके दिखा रहा हूँ। एक्सट्रैक्ट पे क्लिक करेंगे तो ये ओके पे क्लिक करेंगे तो ये यहाँ पे एक्सट्रैक्ट हो जाएगा। तो गाइस, मैंने यार पहले ही एक्सट्रैक्ट कर रहा है कर दिया, तो यहाँ पे एक्सट्रैक्ट नहीं हो रहा। ठीक है, तो आपको मैंने बता दिया इस प्रकार से एक्सट्रैक्ट कर लेना है। एक्सट्रैक्ट करने के बाद यार इसको मतलब इंपोर्ट कैसे करना, पिक्सेल एप एप्लीकेशन के अंदर इसको इंपोर्ट कैसे करना है वो बता देता हूँ। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे चले जाना, देखिए पिक्सेल एप एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। ठीक है, तो मैं पिक्सेल एप एप्लीकेशन को ओपन कर लेता हूँ। ये रही मेरी पिक्सेल एप एप्लीकेशन। ठीक है, तो इस पिक्सेल एप एप्लीकेशन को ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद में यहाँ देखिए, यहाँ से मैं थोड़ा कैंसिल कर देता हूँ, और यहाँ पे देखिए आपको न्यू टेक्स्ट इस प्रकार से लिखा हुआ है, तो रहने देना है। अब आपको यार फॉन्ट वो ऐड करना है, फॉन्ट कैसे ऐड करना है वो बता देता हूँ यार, आपको फॉन्ट कैसे ऐड करना है। ठीक है, सो ओके गाइस, अब आपको यार फॉन्ट कैसे ऐड करना वो बता देता हूँ। सबसे पहले यार जो देखिए फॉन्ट कैसे ऐड किया जाता है वो बता देता हूँ। सबसे पहले यार देखिए, ये ले लिया था आपने, इसी पे क्लिक रखना है। ठीक है, और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ए दिख रहा है, ए पे क्लिक करना है। ए पे क्लिक करने के बाद इस प्रकार से स्क्रॉल करना आपको। ठीक है, स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पे डबल दे ए बी फॉन्ट दिख रहा होगा, इस पर आपको क्लिक करना है। ठीक है, इस पर क्लिक करना है, इस पर क्लिक करने के बाद कुछ इस प्रकार से इंटरफेस आएगा आपका। ठीक है, तो अब आपको यार माई फॉन्ट पे क्लिक करना है, यहाँ पे माई फॉन्ट का ऑप्शन आ जाएगा। उसके बाद में देखिए इस वाले आइकन पे क्लिक करना। ठीक है, इस वाले पे, ठीक है, फर्स्ट वाले पे, इस पर क्लिक करना, और जो जिस भी फोल्डर में आपने अभी फॉन्ट को ऐड किया उस वाले फोल्डर को ओपन कर लेना। तो देखिए, मैंने यहाँ एक फॉन्ट यहाँ पे ऐड किया था वो बताया था ना आपको, तो मैं फोल्डर ढूंढ लेता हूँ यार वो फोल्डर कहाँ पे है। ठीक है, सो ओके गाइस, ये रहा, देखिए मेरा फोल्डर, फोल्डर पे क्लिक करेंगे यार फोल्डर यहाँ पे आ जाएगा। अब आपको इसको क्या करना है, यहाँ से ओके करना है। ओके करने के बाद यहाँ पे देखिए सेलेक्ट कर लेना जितने भी, अगर आपके एक फोल्डर के अंदर ही बहुत सारे फॉन्ट है तो इस प्रकार से आपको सेलेक्ट करने का ऑप्शन आ जाएगा। तो यहाँ पे राइट का ऑप्शन लगाना है। ठीक है, राइट लग जाएगा, उसके बाद देखिए यहाँ पे सेलेक्ट, यहाँ पे ऐड सेलेक्शन टेड, इस पर आपको क्लिक कर देना। जैसे आप क्लिक करते हो तो यार वो फॉन्ट आपका वहाँ पर ऐड हो जाएगा। तो देखिए मैं बता देता हूँ यार वो कहाँ पे ऐड हुआ, तो इस प्रकार से स्क्रॉल करके मैं नीचे नीचे चले जाता हूँ यार। वो सबसे नीचे देखिए, मैंने इतने सारे फॉन्ट ऐड करके रख रखा है। ठीक है, तो वो सबसे नीचे चले जाएगा। ठीक है यार, कहाँ पे गया वो फॉन्ट वो दिखा देता हूँ आपको। सो ओके गाइस, देखिए मैंने वहाँ पे पहले ही फॉन्ट को यार ऐड करके रख रखा था, तो ये बीच के अंदर आ रहा है। ठीक है, नीचे नीचे आएगा, लेकिन देखिए यहाँ पे मैंने ऐड कर दिया। और आपका जो अगर आपने जो फॉन्ट अभी ऐड करोगे हैंड टू हैंड, तो वो फॉन्ट आपका यार नीचे नीचे आएगा। ठीक है, तो मैंने यार यहाँ पे ऐड करके रखा था पहले। ठीक है, तो मैंने वापस ऐड किया तो ये यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, तो यार आपको इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ से देखिए ये फॉन्ट सेलेक्ट हो गए, उसके बाद ओके पे क्लिक करना है। ठीक है, ओके पे जैसे क्लिक करोगे तो आपको फॉन्ट देख सकते हो आप कितना शानदार लग रहा है। ठीक है, आप देख सकते हो इस प्रकार से इसके अंदर डिजाइनिंग वगैरह स्टाइलिश फॉन्ट हो चुका है। तो इस प्रकार से यार आपको फोन डाउनलोड भी करना बता दिया मैंने, और इंपोर्ट भी करना बता दिया। ठीक है, दोनों चीज़ें बता दिए। तो इस प्रकार से आप यार पिक्सेल एप एप्लीकेशन के अंदर इस प्रकार से आपको फॉन्ट ऐड कर सकते हो। सो ओके गाइस, देखिए यहाँ पे भी आपको बहुत सारे फॉन्ट मिल जाते हैं। यहाँ से भी आप फॉन्ट डायरेक्टली यहाँ से देखिए क्लिक करके यहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हो यार।
डाउनलोड कैसे करना वो मैंने बता दिया आपको, कैसे डाउनलोड करना है यार। यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन आएगा साइड में, जिस फॉन्ट को आप देख रहे हो, जैसे जो भी फॉन्ट लेना है यार इसके साइड में, देखिए ये वाला फॉन्ट लेना है, इसके साइड में डाउनलोड का ऑप्शन आएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे क्लिक करोगे तो डाउनलोड हो जाएगा। और एक्सट्रेट आपको बता दिया मैंने, एक्सट्रेट करना है। अगर आप एक्सट्रेट नहीं करते हो तो यार वहाँ पर आपको डाउनलोड मतलब इंपोर्ट का ऑप्शन ही नहीं, मतलब इंपोर्ट जो आप इंपोर्ट करोगे तो वहाँ पर ये वाला फॉन्ट दिखाएगा ही नहीं भाई, एक्सट्रेट करना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो हमने ये सब कुछ बता दिया और इतने बहुत सारे फ़ॉन्ट मिल जाएंगे आपको, अगर नाम सर्च है तो नाम भी कर लीजिए, और यहाँ पे बहुत सारे फ़ॉन्ट भी मिल जाएंगे यार। यहाँ पे जो भी फ़ॉन्ट आपको अच्छे लगे यार यहाँ से भी आप देखिए, यहाँ पे भी फ़ॉन्ट को बहुत सारे फ़ॉन्ट को यहाँ से क्लिक करके यहाँ से देखिए बहुत सारे फ़ॉन्ट मिल जाएंगे, तो इनको भी आप यार डाउनलोड कर सकते हो और ऐड कर सकते हो, ठीक है। तो मैंने यार बहुत सारे, अगर एक एक फ़ॉन्ट बताऊँगा तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो मैं यहाँ ही वीडियो को यहाँ तक ही, तो चलो यार यहाँ तक ही इस वीडियो को एंड कर देते हैं यहाँ तक, ठीक है। तो चलो यार मिलते को नेक्स्ट वीडियो में।